हेलो एवरीवन, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू ओमेगा टेक एड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसक्यूएल एग्रीगेट फंक्शंस। एसक्यूएल एग्रीगेट फंक्शन इज यूज्ड टू परफॉर्म द कैलकुलेशन ऑन मल्टीपल रोज ऑफ अ सिंगल कॉलम ऑफ अ टेबल। इट रिटर्न्स अ सिंगल वैल्यू। एसक्यूएल में एग्रीगेट फंक्शन का यूज हम मल्टीपल रोज पे कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए करते हैं। इसकी हेल्प से हम मल्टीपल रोज पे कैलकुलेशन अप्लाई कर सकते हैं और आउटपुट में हमें एक सिंगल वैल्यू मिलती है। इसका मतलब ये है कि एग्रीगेट फंक्शन का यूज हम डेटा को समराइज करने के लिए करते हैं। मेन हम फाइव टाइप के एग्रीगेट फंक्शंस यूज करते हैं, काउंट, सम, एवीजी, मैक्स एंड मिन। काउंट फंक्शन रिटर्न्स द नंबर ऑफ रोज। तो जब हमें नंबर ऑफ रोज काउंट करनी होती है तब हम काउंट फंक्शन का यूज करते हैं। सम फंक्शन सम रिटर्न करता है। एवीजी एवरेज रिटर्न करता है, मींस जो भी एवरेज वैल्यू होगी उस पर्टिकुलर कॉलम की वो यहाँ पे रिटर्न होगी। मैक्स फंक्शन रिटर्न्स द लार्जेस्ट वैल्यू एंड मिन फंक्शन रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट वैल्यू। सबसे पहले हम यहाँ पे एक टेबल सिलेक्ट कर लेते हैं जिस टेबल पे हमें एग्रीगेट फंक्शंस यूज करने हैं। एम्प्लॉय टेबल हम पहले ही क्रिएट कर चुके हैं तो यही टेबल हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हम चेक करेंगे एवरेज सैलरी। तो सिंटेक्स होगा एवीजी ब्रैकेट में कॉलम नेम। कॉलम नेम हमारे पास है सैलरी, फ्रॉम टेबल नेम मींस फ्रॉम एम्प्लॉय। तो एवरेज सैलरी जो कैलकुलेट हुई है वो हुई है 21,066। इसी तरीके से अगर हमें एम्प्लॉय नंबर फाइंड करने हैं जिनकी सैलरी एवरेज सैलरी से कम है तो हम लिखेंगे सिलेक्ट ईएमपी नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज लेस देन एवरेज सैलरी। बट एवरेज सैलरी कैलकुलेट करने के लिए हमें फुल क्वेरी लिखनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम ब्रैकेट में ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट हमने लिखा था वही रिपीट करेंगे। तो ये क्वेरी है जो इस क्वेरी के अंदर हमें लिखना है, सिलेक्ट एवीजी सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। इस पर्टिकुलर पार्ट से एवरेज सैलरी कैलकुलेट होगी और जो पहले हमने लिखा था वो ये लिखा था कि हमें एम्प्लॉय नंबर सिलेक्ट करना है जिनकी सैलरी लेस देन है एवरेज सैलरी के। तो आउटपुट में हमें मिला है 101 और 102। सिस्टम सीएलएस यूज करते हैं हम स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। नेक्स्ट फंक्शन हमने पढ़ा था काउंट, और काउंट का यूज हम काउंटिंग के लिए करते हैं। तो यहाँ पे अगर हमें नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स चेक करने हैं तो हम लिखेंगे सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। टोटल हमारे पास 6 रिकॉर्ड्स हैं। अब हमें देखना है कि कितने एम्प्लॉयज पुणे में रहते हैं तो उसके लिए हमें सिटी काउंट करनी है। तो हम लिखेंगे सिलेक्ट काउंट सिटी फ्रॉम एम्प्लॉय। तो ब्रैकेट में हम कॉलम नेम देते हैं जहां पे हमें काउंटिंग करनी है, और यहाँ पे हम एक कंडीशन दे रहे हैं वेयर सिटी इज इक्वल टू पुणे। तो टोटल 3 एम्प्लॉयज जो हैं वो पुणे में रहते हैं। सिमिलरली हम मुंबई के लिए चेक कर सकते हैं कि मुंबई में कितने एम्प्लॉयज रहते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं। तो रिजल्ट हमें मिला है 2। तो 2 एम्प्लॉयज जो हैं वो मुंबई में रहते हैं। इसी तरीके से हम डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हैं। डिस्टिंक्ट कीवर्ड जो होता है वो यूनिक रिकॉर्ड्स के लिए यूज। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम एम्प्लॉय। तो टोटल 3 डिस्टिंक्ट सिटी हैं हमारे पास, तो इसीलिए 3 आया है। अब हम एक बार टेबल देख लेते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 3 डिस्टिंक्ट सिटी हैं, पुणे, मुंबई, नासिक। स्क्रीन को क्लियर करने के लिए हम लिखते हैं सिस्टम सीएलएस।
नेक्स्ट हमने पढ़ा था मैक्स और मिन फंक्शन। तो मैक्स फंक्शन जो होता है वो मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करता है। तो यहाँ पे अगर हमें मैक्सिमम सैलरी कैलकुलेट करनी है तो हम लिखेंगे सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। तो मैक्सिमम सैलरी जो है वो है 22,400। एंड सिमिलरली अगर हमें मिनिमम सैलरी कैलकुलेट करना है तो हम मिन फंक्शन का यूज करेंगे। तो मिनिमम सैलरी है 18,000। अब यहाँ भी हम सेम तरीके से क्वेरी यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें देखना है कि कौन से एम्प्लॉय नंबर ऐसे हैं जिनकी सैलरी इक्वल टू है मैक्सिमम सैलरी के, मींस किसको सबसे ज्यादा सैलरी मिल रही है उसका अगर हमें एम्प्लॉय नंबर देखना है तो हम लिखेंगे सिलेक्ट ईएमपी नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज इक्वल टू, और मैक्स सैलरी हमें कैलकुलेट करना है तो सेम जो फर्स्ट लाइन हमने लिखी है वही हम रिपीट करते हैं, सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। तो यहाँ पे वो एम्प्लॉय नंबर आएगा जिसकी सैलरी मैक्सिमम है। तो 106 एम्प्लॉय नंबर है जिसकी सैलरी मैक्सिमम है। और अगर हमें एम्प्लॉय नंबर के साथ साथ एम्प्लॉय नेम भी चाहिए तो यहाँ पे सिलेक्ट में ईएमपी नंबर के साथ कॉमा देंगे हम और एक और कॉलम स्पेसिफाई कर देंगे ईएमपी नेम। तो अब हमें एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉय नेम दोनों ही कॉलम मिलेंगे। तो हीना है, एम्प्लॉय नेम है हीना जिसकी सैलरी मैक्सिमम है। सिमिलरली हम मिनिमम के लिए भी देख सकते हैं, सिर्फ हमें मैक्स के प्लेस पे मिन लिखना होगा। तो मिनिमम सैलरी जो है वो है एम्प्लॉय नंबर 101 की और एम्प्लॉय नेम है अजय। नेक्स्ट हमने पढ़ा था सम फंक्शन। तो सम का यूज हम सम करने के लिए ही करते हैं, मींस टोटल के लिए करते हैं। तो यहाँ पे हम सम फाइंड कर रहे हैं सैलरी का। तो टोटल कितनी सैलरी होती है सभी इम्प्लॉयज के मिला के वो यहाँ पे आएगा। उसके बाद हमने पढ़ा है कि हम ग्रुप बाय का भी यूज कर सकते हैं, ग्रुप बाय और हैविंग क्लॉज का यूज भी कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। तो अब हम यहाँ पे उसी का यूज देखेंगे। हम लिखते हैं सिलेक्ट सिटी सम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय। अब यहाँ पे हम ग्रुप बाय यूज कर रहे हैं, ये सिमिलर डेटा को ग्रुप करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हमने यूज किया है ग्रुप बाय सिटी। तो सिटी वाइज हमें टोटल सम मिला है सैलरी का, मींस पुणे में टोटल 60,000 सैलरी जा रही है, मुंबई में 44,400 एंड नासिक में 22,000। सिमिलरली हैविंग का यूज हम कंडीशन देने के लिए करते हैं, और जब हम एग्रीगेट फंक्शन का यूज करते हैं तो वहां पे हम हैविंग का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है हैविंग सम ऑफ सैलरी ग्रेटर देन 20,000। तो अब हमने यहाँ पे कंडीशन दे दी है, पहले वाले केस में हमने कंडीशन नहीं दी थी, हमने सिटी वाइज सबको ग्रुप किया था और टोटल सैलरी कैलकुलेट की थी, मींस पुणे में कितनी सैलरी जा रही है टोटल मुंबई में एंड नासिक में। बट सेकेंड केस में हमने वहाँ पे एक कंडीशन स्पेसिफाई की है कि सम ऑफ सैलरी जो है वो ग्रेटर देन 20,000 होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमें तीनों ही रिकॉर्ड मिल गए हैं क्योंकि तीनों ही सिटी की जो सैलरी है, जो सम ऑफ सैलरी है वो ग्रेटर देन 20,000 है। तो यहाँ पे अगर हम लिखते सम ऑफ सैलरी इज ग्रेटर देन 40,000 तो उस केस में हमें टू रिकॉर्ड्स ही मिलते, मुंबई और पुणे, नासिक का नहीं मिलता क्योंकि उसका जो टोटल है वो कम है।
तो उस केस में हम इसे चेक करते तो हमें टू ही रिकॉर्ड्स मिलते। तो इस तरीके से ग्रुप बाय और हैविंग क्लॉज का यूज हम एग्रीगेट फंक्शंस के साथ कर सकते हैं। मेन पॉइंट ये है कि हैविंग ही हमें यूज करना पड़ेगा जब हम एग्रीगेट फंक्शन यूज करते हैं, क्योंकि एग्रीगेट फंक्शंस के साथ हम वेयर क्लॉज का यूज नहीं कर सकते। तो कंडीशन स्पेसिफाई करने के लिए एग्रीगेट फंक्शन के साथ हम हैविंग क्लॉज का यूज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है, वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है, तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।